एक खूबसूरत दिन लंदन में दो लड़कों ने जन्म लिया, दो अलग अलग परिवारों में। पर हुआ था कि दोनों एकदम जुड़वा जैसे दिखते थे। एक का नाम रखा गया टॉम कैंटी, जो एक गरीब घराने का था, और दूसरा था राजकुमार एडवर्ड वेल्स का, जो बहुत ही अमीर था। टॉम मैले कुचेले गलियों में रहता था। उसका पिता और दादी दोनों सख्त स्वभाव के थे। उसकी माँ थी सुशील और उसकी बहनें भी थे। टॉम का जीवन दुखी वाला था, पर उसका एक सपना था कि एक दिन वह एक राजकुमार से मिलेगा। इसी प्रकार समय बीत गया, पर टॉम ने अपना सपना नहीं भूला। एक दिन अचानक से सपना देखते देखते टॉम नींद से जाग गया। उसने सपने में देखा कि वह एक राजकुमार बन गया। एक दिन टॉम वेस्टमिंस्टर के महल पर गया। द्वार पर जब वह करीब गया तो पहरेदार ने उसको मार भगाया। पहरेदार और टॉम के बीच की लड़ाई संयोग से राजकुमार ने देख लिया, जो अपनी खिड़की के बाहर झांक रहा था। राजकुमार ने पहरेदार को डांटा और बोला कि वह उस फकीर लड़के को महल के अंदर आने दे। टॉम का सपना सच होने को आ रहा था। हैरानी की बात ये थी कि दोनों लड़के मिले और पक्के दोस्त बन गए। टॉम ने अपने जीवन के बारे में बताया और एडवर्ड उसकी जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगा। उसको टॉम का जीवन कमाल का लगा। उसी समय राजकुमार एडवर्ड के दिमाग में एक अजीब विचार आया। मेरे पास एक योजना है जो शायद हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। क्यों ना हम अदला बदली कर ले। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या क्या हुआ? तुमको तो वैसे भी बहुत शौक था ना एक राजकुमार की तरह रहने की। मुझे इन ऊंची दीवारों के आगे वाली जिंदगी भी देखनी है। शायद ये काम आ जाएगा। वैसे भी हम तो रूबरू एक जैसे ही दिखते हैं। तो दोनों ने थोड़े समय के लिए अदला बदली करने का निर्णय ले लिया। दोनों ने एक दूसरे को अपने कपड़े दे दिए। एडवर्ड महल के बाहर निकल गया और टॉम बैठ गया सिंहासन पर। अब एडवर्ड बाकियों की तरह बस एक फकीर लड़का था। एडवर्ड ने सबको बताने की कोशिश की कि वही राजकुमार है, पर सब सोचने लगे कि कोई लड़का बस पागल हो गया है। इसी दौरान टॉम महल में बेचैन होने लगा। राजकुमार एडवर्ड बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटा, तो टॉम चिंतित हो गया कि कहीं एडवर्ड पकड़ा तो नहीं गया। उसने सबको सच्चाई बता दी कि वह असली राजकुमार नहीं है, पर सबको लगा कि शायद राजकुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है। राजकुमार के पिताजी महाराजा हेनरी ने सबको ये आदेश दिया कि कोई भी राजकुमार के दिमाग की हालत के बारे में बात नहीं करेगा। राजकुमार के रूप में टॉम के पहले दिन बहुत कठिन थे, क्योंकि उसको राजमहल के रिवाज और तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता था। जो पानी हाथ धोने के लिए था वह उसको पी गया, ऐसे काम करने लगा। इसी बीच राजकुमार एडवर्ड टॉम के पिताजी जॉन कैंटी के हाथ आ गया और उसको अच्छी मार पड़ी, क्योंकि उसने उनको पैसे नहीं दिए। अपना ही बेटा समझ के वह उसको घर ले गया। जब एडवर्ड ने बोला कि वह असल में राजकुमार है, तो उसको और ज्यादा मार पड़ी। केवल टॉम की माँ ने देखा कि ये लड़का उसका बेटा नहीं है। गलियों में घूमता रहा, पर किसी ने उसको पहचाना नहीं। हर एक दरवाजे पर खटखटाने लगा, पर कोई उसको खाना नहीं देना चाह रहा था, और उसको मुश्किल से एक समय का भोजन मिलता था। इसी तरह कई दिन बीत गए। राजकुमार एडवर्ड अब वापस महल जाने के लिए बेचैन था। एक दिन एडवर्ड की मुलाकात एक शूरवीर से हुई, जिसको वो पहले से जानता था। ये मौका देखकर एडवर्ड ने उसको अपनी पिछली मुलाकात के बारे में याद दिलाया। वीर ने एडवर्ड से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। एडवर्ड को अपने घोड़े पर महल ले गया। इन सब के बीच महाराजा हेनरी की मृत्यु हो गई थी और सब लोग टॉम को अगला महाराज घोषित करने की तैयारी में थे। टॉम के पास और कोई रास्ता ना रहा सिवाय महाराज बनने की तैयारी में लगे रहने की।
और महाराजा का ताज था उसके सामने। टॉम को दरबार में लिया गया और वहाँ पर थी बहुत सारी भीड़ जो अगले महाराज को देखने के लिए जमा हुई थी। प्रीस साहब ने अपनी प्रार्थना पूरी की और हाथ में ताज लिए टॉम के सर पर रखने ही वाले थे जब अचानक से एडवर्ड दरबार में घुस आया। टॉम हैरान रह गया। उसको पता था कि उसको क्या करना था, पर वह अपनी पुरानी गरीबों की जिंदगी में वापस जाने को डर रहा था। पर आखिरकार उसने अपना फैसला लिया और आवाज ऊंचा करके सबके सामने सच बोल दिया, मैं राजकुमार एडवर्ड नहीं हूँ, वो है। तो अंत में असली राजकुमार एडवर्ड को सिंहासन पे बिठाया गया। टॉम की सच्चाई और ईमानदारी एडवर्ड को बहुत पसंद आई। उसने टॉम को महल में ही जगह दे दी। टॉम एडवर्ड का मुख्य सलाहकार बन गया और महल में ही रहने लगा। राजकुमार और फकीर भाइयों की तरह बन गए और मिलकर राज्य पर सम्मान से और उदारता से राज किया और सारी प्रजा का ख्याल रखा। एक बार की बात है, एक दूर राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता बहुत अनोखी थी क्योंकि उसके लंबे लाल बाल थे और उसे गुलाब के फूलों से बहुत प्यार था। इतना प्यार कि सभी ने उसे राजकुमारी गुलाब कहना शुरू कर दिया। राज्य में हर कोई राजकुमारी को बहुत प्यार करता था। कुछ बच्चे उसके पास गुलाब का गुलदस्ता लेकर आए जिसमें 3 प्रकार के गुलाब थे, लाल, सफेद और पीला। प्रणाम राजकुमारी गुलाब, कृपया हमें बताएं कि आपको कौन से गुलाब सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे दुनिया के हर गुलाब से प्यार है। और सभी बच्चे हंस पड़े। राजकुमारी दयालु थी और सभी को बहुत पसंद थी। हर शाम राजकुमारी अपनी छत पर जाती और फिर ताली बजाती। ओ आओ प्यारे पंछी। तुरंत एक सुनहरा पंछी कहीं से उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर चढ़ गया। राजकुमारी के बाल एक चमकदार लाल रोशनी के साथ चमकने लगे। जल्द ही पक्षी ने एक धुन गाना शुरू कर दिया। राजकुमारी गुलाब ने भी उसके साथ गुनगुनाना शुरू किया और राज्य में हर कोई सो गया और फिर गहरी नींद का आनंद उठाया। इसी तरह साल बीतते गए और सुनहरा पंछी और राजकुमारी गुलाब रोज रात को लोरी गाते और राज्य के लोग इसका आनंद उठाते। अचानक एक दिन कुछ भयानक हुआ। एक दुष्ट चुड़ैल जो राज्य के एक अंधेरे पक्ष में रहती थी, उसने राजकुमारी गुलाब के बारे में सुना। ला 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 ला। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कितनी अच्छी है। और इसलिए दुष्ट चुड़ैल ने उसे श्राप देने का फैसला किया और उसने अपने बुरे जादुई मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आबरा कदाबरा सिम सलादिम, मैं चाहती हूँ कि ये राजकुमारी गुलाब मुरझा जाए। हुश। जैसे ही चुड़ैल ने मंत्र पढ़ना समाप्त किया, राजकुमारी गुलाब के बाल अचानक काले रंग के हो गए। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे बालों को? मैं अपने लोगों के लिए कैसे गाऊंगी और वो सब अब मीठे सपने कैसे देखेंगे? फिर उस शाम राजकुमारी गुलाब अपनी छत पर गई और ताली बजाई, लेकिन जब सुनहरा पंछी दिखाई दिया तो उसके बाल लाल रंग के बजाय काले रंग से चमकने लगे। पक्षी ने अपनी सुरीली धुन गुनगुनाई
और राजकुमारी गुलाब ने लोरी गाना शुरू किया। राज्य में हर कोई सो गया, लेकिन उस रात लोगों ने केवल बुरे सपने देखे। उस रात हर कोई अपनी नींद से डर कर जाग गया। राजकुमारी बहुत दुखी थी और यह नहीं जानती थी कि क्या करना चाहिए। अगले दिन दुखी राजकुमारी ने पंछी को बुलाया और उसे अपनी मुसीबत के बारे में बताया और उसका समाधान मांगा। मेरे प्यारे सुनहरे पंछी, मुझे बताओ, मैं अपने लोगों के सपनों को कैसे फिर से मधुर बना सकती हूँ? अपने काले बालों को गुलाब जल में डुबाएं। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे मदद मिलेगी? राजकुमारी ने पक्षी की सलाह के बारे में सोचा। उसने स्नान करने के लिए पानी तैयार किया और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियों को छिड़का। फिर उसने अपने बालों को गुलाब जल में डुबोया और वो तुरंत लाल हो गए। अरे वाह, ये फिर से लाल हो गए हैं। शुक्रिया प्यारी चिड़िया, अब इस राज्य के सभी प्रिय लोग खुशी से सो सकते हैं। उस शाम जब चिड़िया राजकुमारी के कंधे पर आई तो उसके बालों की लाल चमक से रात एक बार फिर से सुहानी हो उठी। राजकुमारी ने लोरी गाना शुरू किया और सभी लोगों ने अपनी नींद में अच्छे सपनों का आनंद लिया। चुड़ैल गाने की आवाज सुनी जिससे वो बहुत नफरत करती थी। क्या वो वापस आ गई? दुष्ट चुड़ैल इतनी गुस्से में थी कि उसका श्राप टूट गया है। अब मैं उसे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। आबरा कडाबरा सिम सलादिम, मैं चाहती हूँ कि ये राजकुमारी गुलाब मुरझा जाए। हुश! और राजकुमारी के बाल फिर से काले हो गए। ओ नहीं, फिर से नहीं, मुझे क्या हो रहा है? लेकिन इस बार चुड़ैल ने ऐसा जादू किया जिससे पूरे राज्य में गुलाब खिलने बंद हो गए। चुड़ैल ने जाकर जब राजकुमारी को रोते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुई। एक बार फिर दुखी राजकुमारी ने एक समाधान के लिए पंछी से पूछा। ओ सुनहरी चिड़िया, बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बाल फिर से काले हो गए हैं और सभी लोग फिर से बुरे सपने देखेंगे। ये मैं सहन नहीं कर सकती। और सुनहरे पंछी ने पिछली बार की तरह उत्तर दिया, गुलाब जल में काले बाल को रखो। लेकिन पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं बचा है, मुझे गुलाब कहाँ मिलेगा? पंछी चहक कर उड़ गया। राजकुमारी को पता नहीं था कि क्या करना है कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और एक आंसू नीचे जमीन पर गिर गया। उसी क्षण एक युवा सुंदर राजकुमार नीचे से जा रहा था और वह रुक गया और उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने उसमें से एक लाल बाल निकाला, फिर वो जमीन की ओर झुका और उसने बाल को राजकुमारी के आंसू के ऊपर रख दिया और फिर एक चमत्कार हो गया। अचानक वो लाल बाल एक लाल गुलाब में बदल गया। राजकुमार ने गुलाब को उठाया और राजकुमारी के पास ले गया। ये आपके लिए है सुंदर राजकुमारी। एक गुलाब? तुम्हें ये कहां से मिला? मैंने इसे आपके आंसू और एक लाल बाल के साथ बनाया है। उत्साहित होकर उसने गुलाब लिया और तुरंत अपने आंसू पोंछे। उसने पंखुड़ियों को तोड़ा, पानी में डाल दिया। उसने पानी में बाल डाले और अभिशाप टूट गया। तभी राजा रानी और कुछ नौकर राजकुमारी के कक्ष में दाखिल हुए। सब लोग हैरान थे। सुनो बेटा, तुम्हें वो लाल बाल कहाँ मिला? राजा जी, जब राजकुमारी और मैं दोनों बच्चे थे, मैंने मेरी वफादारी के संकेत के रूप में उनके सर से एक बाल उठाया था
और राजकुमारी ने भी मेरा एक बाल खींचा था और अपने पास रखा था। फिर राजकुमारी ने पुष्टि की और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोलने पर उसमें से राजकुमार का बाल निकला। हर कोई इस खबर से बहुत खुश था। यह जानने के बाद कि उसका अभिशाप फिर से टूट गया है, दुष्ट चुड़ैल की बुराई इतनी बढ़ गई कि वह फट गई और उसके 1000 छोटे टुकड़े हो गए। आखिरकार गुलाब के फूलों को एक बार फिर से राज्य के हर बगीचे में लगाया गया। राजकुमार और राजकुमारी गुलाब ने जल्द ही शादी कर ली और दया और उदारता के साथ राज्य पर शासन किया। और फिर हर शाम राजकुमारी गुलाब और सुनहरे पंछी ने लोरी गाना शुरू किया और सभी लोगों ने अपनी नींद में अच्छे सपनों का आनंद लिया।